इसलिए हमें अपना समय को बर्बाद नहीं करना है, अपना लाइफ को बर्बाद नहीं करना है। हम अपना वैल्यू ऐड करते चले जाएंगे, जो भी सिचुएशन है उसमें हम कुछ ना कुछ सीखते चले जाएंगे, तो जा करके हम अपना जीवन को सफल बनाएंगे और साथ साथ औरों को भी जीवन में सफलता बना उसको सफल बनाने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपना ऑनेस्टली से अपना मेहनत जारी रखना है। आजकल के बच्चे को देखता हूँ, आप सबका मैं बात कर रहा हूँ, हाँ आप सबका ही, WHO का कहना है कि वीडियो गेम जो है लाखों माने ऐसा लत लग गई है, लाखों बच्चों को वो बीमारी से ग्रस्त कर चुका है। ये वीडियो गेम की लत खतरनाक बीमारी है, WHO ने भी माना ये। इसलिए हमें ज़्यादा मोबाइल में नहीं रहना है। अधिकतर बच्चों को आजकल मैं देखता हूँ क्या क्या गेम में बिजी रहते हैं, फ्री फायर क्या क्या नाम है, सभी बच्चे उसी में बिजी रहते हैं। देखिए इन छोटी छोटी प्यारी परी नन्हे नन्हे बच्चियों का भी, इनका खड़ा होने का स्टाइल देखिए, मोबाइल पकड़ने का स्टाइल देखिए, आजकल के जनरेशन के बच्चे को, इनको भी देखिए, पूरा सब अपना अपना मोबाइल में बिजी है। ये भी कम नहीं है, ये भी बिजी है अपना। ये देखिए ये कैसी दोस्ती, पास है मगर साथ साथ से नहीं है, ना कोई दोस्ती का एहसास है, सब अपना एक खास दोस्त, लेकिन सब अपना अपना बिजी है, सब अपना अपना काम में बिजी है। अभी मोबाइल का सिर्फ दुरुपयोग बच्चे कर रहे हैं, सो रहे हैं तो फिर भी मोबाइल चाहिए। अब मोबाइल का देखिए क्या यूज हो गया, खुद भींग रहे हैं लेकिन मोबाइल के लिए वो छत आग लगा के बैठा हुआ है। मोबाइल का देखिए कहाँ यूज हो रहा है। अब इस मैडम को ही देखिए, मैडम साहिबा अपना बच्चे को दूध पिलाना छोड़ करके मोबाइल में व्यस्त है, दूध पी कौन रहा है मैडम को नहीं पता, वो मैडम अपना मोबाइल में बिजी है, बच्चे भी अपना बिजी है, मैडम भी अपना बिजी है। देखिए पति गुस्से से आकर के क्या बोल रहा है अपने पत्नी को, पति बोल रहा है ये कैसी दाल बनाई है, ना नमक है ना मिर्च है, बिल्कुल फीकी है, तुम सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, कुछ पता नहीं चलता क्या डालना है क्या नहीं। पत्नी बोलती है बेलन दिखा करके कि पहले तुम मोबाइल साइड में रख कर खाना खाओ, कब से देख रही हूँ मैं, पानी में डुबो डुबो कर खा रहे हो, रोटी खा रहे हो और बोलते हो कि कैसा खाना बनाए हो, हैं सब इसका किसका प्रभाव है, मोबाइल का। अब एक ऐसा ऐप आ गया है मोबाइल में, क्या बोला गया कि एक नई ऐप आई है, एक घंटा मोबाइल नहीं छुओ तो मोबाइल से आवाज़ आती है मालिक जिंदा है कि मर गया। एक घंटा हम लोग मोबाइल के बगैर नहीं रह पाते हैं दोस्तों। ये मोबाइल हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है और हमारे लिए अगर उसको दुरुपयोग करें तो बहुत घातक भी है। हमें पता करना होगा कि मेरे लिए क्या जरूर चीज़ें हैं, क्या क्या ज़रूरत है, उसी का यूज करना है, उतना ही यूज करना है, जो ज़रूरत नहीं उसको यूज नहीं करना। लेकिन ये पता आपको करना ज़रूरी है, अगर नहीं आप पता कर पा रहे हो पूछो पूछो जो भी आपके आसपास होंगे कि मोबाइल को कैसे यूज किया जाए, किस तरह से यूज करें कि ना फिजिकल मेंटलिटी इफेक्ट पड़े, ना आई का इफेक्ट पड़े और मेरा पढ़ाई भी बढ़िया से चलता चला जाए और मेरा काम भी। कई लोगों को देखता हूँ सब अपना मोबाइल में बिजी है, सब मोबाइल में बिजी है और मोबाइल का कितना दुरुपयोग हो रहा है इसका किसी को आस ही नहीं है। क्या है ये बच्चों को देख रहे हैं, हे भगवान मेरी मम्मी को व्हाट्सएप बंद करा दो, एक घंटे से मैं नंगा घूम रहा हूँ, हैं सब व्हाट्सएप में बिजी हैं। आगे भी देखिए क्या लिखा गया, क्या लिखा गया देखिए, आप जानते हैं
मोबाइल आया, कैमरा खत्म, मोबाइल आया, वॉच खत्म, मोबाइल आया, टॉर्च खत्म, मोबाइल आया, रेडियो खत्म, मोबाइल आया, MP3 खत्म, मोबाइल आया, लेटर खत्म, मोबाइल आया, कैलकुलेटर खत्म, मोबाइल आया, कंप्यूटर खत्म, मोबाइल आया, सुकून खत्म। और अगर आपका मोबाइल आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड के हाथ आया तो माँ कसम जिंदगी खत्म। आजकल के लोगों को मैं देखता हूँ, बच्चों को भी देखता हूँ, पासवर्ड एक एक चीज में पासवर्ड लगा के बैठे हुए हैं। किसी से मोबाइल मांगो तो वो दे तो देंगे लेकिन एक एक चीज में उसका पासवर्ड लगा हुआ है। मैं तमाम पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपके एक बार कहने पर आपका बच्चा मोबाइल अपना दे देता है, समझ जाइए बच्चा मोबाइल का सही यूज कर रहा है। अगर आपके एक बार मांगने के बाद बच्चा मोबाइल ना दे और बच्चा ये कहे क्या करिएगा मम्मी, मेरा मोबाइल क्या करेगा पापा, क्या काम है बताइए ना, मैं कर देता हूँ, मैं कर देती हूँ, समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर बच्चा अपना मोबाइल में हर जगह पासवर्ड डाल के रखता है, समझ जाए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पता करिए समय रहते हुए, नहीं तो बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा, बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा। रिक्वेस्ट है आप सभी पे, हाँ आप सभी पे, देखिए आपके घर में पता करिए बच्चों मोबाइल उसका क्या यूज कर रहे हैं, नहीं तो फिर वो हाथ से निकल जाएगा। देख रहे हैं ये एक इंजीनियर साहब, रेलवे के इंजीनियर साहब पटरी में जा रहे थे, दो दो मोबाइल का यूज कर रहे थे, उसी दिन उसको शादी थी, क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं। मेजर साहब को देखिए सेल्फी ले रहे थे, सेल्फी लेने के चक्कर में वो खत्म हो गए। आपने आपको तो मेजर, ये तो माइनर भी नहीं है जी, देख रहे हैं सेल्फी लेने के चक्कर में सभी बच्चे सेल्फी ले रहे हैं, पीछे उनका ही दोस्त डूब रहा है, किसी को परवाह नहीं, सब सेल्फी लेने में बिजी है, सेल्फी का ट्रेंड है, सब सेल्फी लेने में बिजी हो गया। एक सच्चाई है, सच्चाई ये है कि इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्डेड सेल्फीज डेथ इन द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे ज्यादा सेल्फी डेथ होती है, सबसे ज्यादा लोग सेल्फी के कारण इंडिया में मरते हैं। क्या होता उस सेल्फी का कि अपना जान गंवा देते हैं। सेल्फी के चक्कर में हमें नहीं रहना है, मोबाइल को मोबाइल की तरह यूज करिए, कैमरा है, फोटो क्लिक करिए, कोई प्रावधान नहीं है, कोई बाधा नहीं है, लेकिन कहाँ और कैसे करना है ये आपको जानना जरूरी है।